हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राघवेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेज में। तो स्टूडेंट, अपने वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से आ गया हूँ 11 और 12 जनवरी का करंट अफेयर्स लेके, जो कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और नेवी SSR AA और MR के स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, जो है देखना, करंट अफेयर्स को जानना। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो का सवाल था, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में उतरा है। तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिए थे, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए थे, लेकिन मैं आपको सही जवाब आज बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जो अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में उतरा है वो था चीन का, और उसका नाम था चांग E4, जो कि 3 जनवरी को चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में उतरा था। अब हम आते हैं स्टूडेंट आज के करंट अफेयर्स पे, यानी 11 और 12 जनवरी के करंट अफेयर्स पे। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में भी मैं जो है एक जीके का सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको करंट कमेंट बॉक्स में देना होगा, और उसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को जानना, जो कि 11 और 12 जनवरी के हैं। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, भारत ने प्रदूषण को कम करने के लिए 10 जनवरी को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। जी स्टूडेंट, भारत ने हाल ही में 10 जनवरी को एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत प्रदूषण को कम करने ही जो है मेन लक्ष्य है उस कार्यक्रम का। तो मैं आपको बता दूं, उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम। क्या नाम है? राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसरो ने कहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। जी हाँ स्टूडेंट, इसरो ने हाल ही में जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 जनवरी को कहाँ पर आकाशवाणी द्वारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जी हाँ स्टूडेंट, हाल ही में जो है 10 जनवरी को आकाशवाणी ने सर्वभाषा सम्मेलन यानी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था उसके द्वारा। तो ये आयोजन कहाँ किया गया था, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये आयोजन किया गया था चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर 4 पे। तो हमारा आज का करंट अफेयर 4 है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच के पद से हटा दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि हरेंद्र सिंह को जो है पुरुष हॉकी टीम के कोच के पद से जो है हटा दिया गया है हाल ही में। क्यों ऐसा क्यों किया गया? तो मैं आपको बता दूं, यह फैसला इस बार जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के कारण लिया गया ये फैसला। उनको जो है कोच के पद से हटा दिया गया है, नाम है हरेंद्र सिंह को। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में शरद कमल ने किस खिलाड़ी को हराकर 9वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। जी हाँ स्टूडेंट, शरद कमल ने हाल ही में जी साथियान को हरा करके 9वीं बार लगातार जो है टेबल टेनिस का खिताब जीता है, जो कि नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का एक बैंक ईरान में एक शाखा खोलेगा, बैंक का क्या नाम है। जी हाँ स्टूडेंट, भारत के एक बैंक ने ऐलान किया कि वो जल्द ही ईरान में एक अपना खुद का शाखा खोलेगा। तो उस बैंक का नाम है यूको बैंक। यूको बैंक ने ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक शाखा खोलेगा ईरान में। जी हाँ स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में अपना विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 10 जनवरी को। लेकिन यहाँ से एक सवाल और उठता है स्टूडेंट कि ये तो विश्व हिंदी दिवस था, इंटरनेशनल जो है था, लेकिन नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। मैं आपको बता दूं, ये गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया है आगरा में, और इसका उद्घाटन किया है हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ 1100 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो मैं आपको बता दूं, ये 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र में, और हमारे PM नरेंद्र मोदी ने ये शुरुआत की है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का। क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया। मैं आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है ओखाकुल्लू में, जो कि कुरनूल शहर के पास में है। 3C
अड्डे का जो है उद्घाटन किया गया है। तो स्टूडेंट ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो आप हम आ जाते हैं आज के अपने जीके के सवाल पे, जिसका जवाब आपको देना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो सवाल है, पहला सिम कार्ड किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप जवाब दीजिएगा कौन बनाया था पहला सिम कार्ड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका जवाब आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।